पिक्स की स्टिंग प्ले आउट करिएगा। आस्था हेम सिक्योरिटीज की, आस्था जैन की सबसे बढ़िया फंडामेंटल पिक्स या पिक कौन सी है? मैंने आशीष एक अपडेट लास्ट टाइम आपके साथ जेन टेक्नोलॉजीज हमने रेकमेंड किया था इसी शो पे, तो टाइम 1190 के आसपास चल रहा था, बहुत बढ़िया इसमें तेजी आई, मेरे हिसाब से 15-16% का रिटर्न जनरेट। 1190 में बोला था, 1400 के ऊपर आ गया है जी बिल्कुल, लास्ट 2 दिनों में स्ट्रॉन्ग रैली आई है इसमें, तो जेन टेक्नोलॉजीज में मेरे टारगेट हिट हुए, मेरे तो इतने बड़े टारगेट्स नहीं थे, मेरे 1300 तक के टारगेट्स थे, तो वो हिट हो चुका है, एक अपडेट है। अब जो नेक्स्ट स्टॉक पसंद आता है वो थोड़ा सा और गिरावट आए तो खरीदारी करनी है, पीआई इंडस्ट्रीज की बात करें तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा अभी वीक हो रहा है काउंटर, थोड़ी और गिरावट आ जाए तो इसमें भी एक बार खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। इसमें मुझे लगता है कि जो पॉसिबल टारगेट देखने को मिलेगा वो 3950 3950 3980 तक के रहेंगे, तो गिरावट में खरीदारी करने की सलाह रहेगी पीआई इंडस्ट्रीज को। लीजिए भाई साहब, जेन टेक्नोलॉजीज की जबरदस्त सफलता के बाद दूसरा बेहतरीन पिक आ गया है पीआई इंडस्ट्रीज, लेकिन थोड़ा सा गिरावट में खरीदारी करेंगे तो और बेहतर। ये वो स्टॉक है जिसे अपन को गिरावट में एक्यूमुलेट करना है, तगड़े रिटर्न देने के लिए तैयार। हाँ रेणुका मैम, अगला सवाल। सॉरी सर, उससे पहले राजीव सर को धन्यवाद बोल दीजिए। हाँ, 2 वीक्स पहले सुब्रोस के बारे में पूछा था। राजेश कौन से, सतपुते साहब ने बोला था क्या? राजीव सर। सर अपने पास ना 3-4 राजेश हैं। राजीव सतपुते सर में भी राजेश सतपुते। ओके सुब्रोस के बारे में बोले थे, वो बहुत बढ़िया कैंडल स्टिक बनाए बोले थे। हाँ। तो उससे मैं प्रॉफिट अच्छा किया है सर। अरे वाह, गुड टू हियर दैट मैम। अच्छा अब अपना सवाल कौन सा मैम? IRCTC का 100 शेयर थे, 1015 का एवरेज किया है मैंने, तो अभी कितना वक्त लगेगा या लॉन्ग टर्म पे रखे तो भी कितना परसेंट गेनिंग मिलता है पूछना था। आस्था IRCTC चला है लो लेवल से, बढ़िया चल के दिया है इसने, लेकिन अभी 1000 के आसपास कैसा लगता है फंडामेंटली भी और पोजिशनली भी कैसा खड़ा हुआ है? देखिए फंडामेंटल में मैम हुआ क्या था, नतीजे इतने बढ़िया नहीं आए थे, जो चौथी तिमाही के नतीजे थे म्यूटेड परफॉर्मेंस थी, सिर्फ 2% की ग्रोथ थी, उस वजह से फिर ये उसके आने के बाद से इसने चलना बंद किया। अब तो नेक्स्ट क्वार्टर का नंबर आने वाला है तो आप बने रहो, और ये भी एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा, दायरा 200 पॉइंट का है, 845 से लेके 1085, मतलब आप वो ही आप मानिए कि 200 पॉइंट 240 पॉइंट का ये दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन बने रहना और रिजल्ट्स पे कड़ी नजर रखना, क्योंकि अगर रिजल्ट्स पे अच्छे नहीं आए तो थोड़ा और गिर सकता है, पर लॉन्ग टर्म में ये ठीक हो जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ होल्ड करने की ही सलाह दूंगी, स्टॉप लॉस आप इस पे चाहे तो लगा सकते हो, वो रहेगा तकरीबन 950 का, सो 950 के स्टॉप लॉस के साथ अभी आप बने रहो, 1040-45 इनिशियली लेवल है, वहां तक जाने की कोशिश करेगा और उसके ऊपर गया तो फिर हमें 1100 तक किस तरह दिखाता हुआ नजर आए। बहुत बढ़िया। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।